रियासी में ही एक जगह है सिहाड़ बाबा, वहाँ पे, और हम सब लोग रेडी हो चुके हैं। यहाँ दिखाओ सारी शक्ल, पीछे मुड़िए सिमरन। सिहाड़ बाबा रियासी में ही एक टूरिस्ट प्लेस है, रियासी के पास पड़ता ही, और साथ ही साथ ये एक बहुत पुराना मंदिर है। अभी हम रुके हैं क्योंकि हमें कोई रिलेटिव मिल गए थे, और यहाँ पे घर देखिए कितना सुंदर ये घर बना हुआ है। ये है नानी जी जो हमें रास्ते में मिल गए थे, तो इस रीजन से हम लोग यहाँ रुके हैं। अगर आप लोग भी सिहाड़ बाबा जाना चाहते हैं तो आप लोग कटरा से सिहाड़ बाबा आ सकते हैं। कटरा से सिहाड़ बाबा लगभग 30 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है, और रियासी पड़ता है बीच में, तो लगभग 15 किलोमीटर के डिस्टेंस के बाद रियासी आता है, और रियासी से आगे एक IRP चौक आता है, वही मेन लैंडमार्क है, और वहाँ से हम लोग आगे सिहाड़ बाबा के लिए जा सकते हैं। तो अभी हम एंटर कर चुके हैं एक पुल पे, ये पुल बना हुआ है चिनाब रिवर के ऊपर, और इस टाइम पे नदी अभी सूखी हो रखी है, और जिस टाइम पे बरसात आएगी उस टाइम पे ये वाला एरिया बिल्कुल कम्प्लीटली भर जाता है पानी से। यहाँ से सिहाड़ बाबा सिर्फ 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पे रह गए हैं, और इसी रास्ते से एक रास्ता सीधा आगे शिव खोड़ी के लिए निकल जाता है, और एक साइड हमारा सिहाड़ बाबा के लिए रास्ता निकल जाता है। पहाड़ी एरिया की अपनी ही ब्यूटी है, पूरा का पूरा रास्ता इतना ज्यादा सुंदर नजर आता है। मंदिर आते हुए रास्ते में बहुत सुंदर व्यूज आ रहे हैं, कहीं पे तो ऊंचे ऊंचे पहाड़ और कहीं पे नदी। तो अब हम पहुंच चुके हैं तलवाड़ा मार्केट, बस कुछ ही देर में सिहाड़ बाबा आने वाला है। लगभग हम लोग पहुंच चुके हैं सिहाड़ बाबा, और सामने आप देख सकते हैं झरना बहता हुआ भी दिखाई दे रहा है। यहीं पे सिहाड़ बाबा का मंदिर है। मंदिर से पहले बाहर ये पार्किंग एरिया है जहां पे आप अपनी गाड़ी खड़ी कर सकते हैं, तो अब हम भी अपनी गाड़ी पार्क करते हैं और उसके बाद हम जाएंगे अंदर मंदिर में। अंदर जाने से पहले मैं आपको बाहर का व्यू दिखा दूं। चमकती हुई धूप में बहुत ज्यादा ये पहाड़ इतने सुंदर लग रहे हैं, और सामने ही वाटरफॉल है। लोग काफी दूर दूर से यहाँ पे घूमने के लिए आते हैं, क्योंकि जो लोग कटरा और रियासी तक आते हैं वो आसपास जितनी भी लोकल प्लेसेस हैं वहाँ पे जरूर जाते हैं, तो इस वजह से आज छुट्टी वाला दिन भी है तो काफी लोग यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। आज मंदिर में भंडारा भी है, तो इस वजह से भी ज्यादा भीड़ यहाँ पे आज नजर आ रही है। तो यही है सिहाड़ बाबा मंदिर। इस मंदिर की काफी मान्यता है, लोग दूर दूर से अपनी इच्छा लेके यहाँ पे आते हैं। मंदिर में भंडारा बंटना शुरू हो गया है, शायद कोई अपनी तरफ से यहाँ पे भंडारा करवा रहा है, और सभी लोग आराम से यहाँ पे बैठे हुए हैं। नो एंट्री, डेंजरस एरिया, ये इसलिए लिखा गया है क्योंकि कुछ साल पहले इसी वाटरफॉल के नीचे एक एक्सीडेंट हो गया था। ऊपर से बहुत बड़ा पत्थर यहाँ पे नीचे आके गिर गया था, और वहाँ पे कुछ बच्चे नहा रहे थे, और जिसमें से कुछ बच्चों की डेथ हो गई थी। उस टाइम के बाद से ये रेस्ट्रिक्टेड एरिया हो गया है, यहाँ पे जाना किसी को भी अलाउड नहीं है। और एक और बात इस झरने के बारे में बोली जाती है कि इसका सोर्स क्या है वो किसी को पता ही नहीं है, कि ये झरना आ कहाँ से रहा है। आज यहाँ पे भंडारा है, तो अभी हम लोग भी भंडारा खाने के लिए बैठेंगे खाएंगे। आज भंडारा खाने चलो।
खोल रखे हैं, ये देख यहीं खोल दो। और यहाँ पे बहुत ज्यादा धूप तेज है और हम लोग भंडारा खाने के लिए बैठे हुए हैं। ये देखो यहाँ भंडारा खाने के लिए बैठ गई है। भंडारे का खाना बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट होता है। पता नहीं वो टेस्ट हमारे नॉर्मल खाने में क्यों नहीं आता जैसा टेस्ट भंडारे के खाने में आता है। और ये चावल तो बहुत ही ज्यादा अच्छे बने हुए हैं, मैं दोबारा ये चावल ले रही हूँ। वाटरफॉल के पास जाना अलाउड नहीं था इसलिए मैंने दूर से ही यहाँ से कैप्चर किया है। और अब हम लोग निकल रहे हैं अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ। हम जा रहे हैं सलाल डैम के पास। हम पूरे डैम तक नहीं जाएंगे बट वहीं आसपास के एरिया तक हम लोग जाएंगे और वहां देख के आएंगे एक और मंदिर। ये है तलवाड़े के पास ही एक मंदिर पड़ता है और इस मंदिर का नाम है आउटलाइट दुर्गा मंदिर। आउटलाइट दुर्गा मंदिर। और यहाँ आसपास आप नजारे देखिए। यहाँ पे आसपास में सलाल डैम भी है, उस थोड़ा सा आगे जाने पर सलाल डैम आता है। सलाल डैम यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है पर हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है इसलिए हम वहाँ पे नहीं जा रहे हैं क्योंकि हमें एक दो जगह और जाना है। तो अभी हमने सिर्फ साइट सीइंग की यहाँ से, तो अब हम निकल रहे हैं घर की ओर क्योंकि हमें एक और जगह जाना है। और हम कौन सी जगह जाएंगे इसके लिए आपको हमारे साथ बने रहना पड़ेगा। पहाड़ों में आके अलग ही सुकून मिलता है, यहाँ पे इतनी शांति होती है, आसमान भी इतना नीला दिखता है, मतलब हर चीज़ में इतनी प्योरिटी दिखाई देती है। बस हमारी जिम्मेदारी है कि हम लोग इसको बहुत साफ रखें, कूड़ा कचरा ना डालें। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये व्लॉग पसंद आया होगा और आप लोग हमारे साथ इसी तरीके से बने रहेंगे। व्लॉग देखने के लिए आप लोगों का दिल से शुक्रिया। ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा।